2024 में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे? मोदी जी नहीं बनेंगे, मोदी जी नहीं बनेंगे। 400 सीटें आ रही है हमारी, वो उनके झूठ लबारी आदमी है, झूठे आदमी है, झूठे आदमी। मोदी जी, मोदी जी झूठी आदमी, झूठे आदमी। 10 सालों में करे परिवर्तन कर दिया? नहीं, आप लोग खुद देख रहे हैं 10 साल में क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। जनता इधर उधर भटक रही है, जनता साथ नहीं मोदी जी का, न एक नौकरी मिली जनता को, न शिक्षक लोग टहल रहे हैं बीएड करके बीटीसी करके, सारी मेहनत फेल हो रही है। आई जो भी आ रहा है सब निरस्त भी कर दे रहे हैं। राम मंदिर बन गया, देखिए आप बढ़िया लगाए हुए, बनने से थोड़ी जनता भक्त नहीं है, भक्त है, राम भक्त है, लेकिन अंधभक्त नहीं है, अंधभक्त नहीं बनेंगे। इसको देखिएगा, ये हमारा जज्बा है, राहुल गांधी हमारे नेता थे और रहेंगे। जिस दिन राहुल गांधी अगर संविधान के प्रति खिलाफ बोल देंगे, उस दिन राहुल गांधी के तरफ से मैं भी हट जाऊंगा। ये बताइए मोदी जी संविधान के खिलाफ कहाँ बोल, मोदी जी संविधान, आप भी कुछ बोलेंगे? इंडिया जो कि शब्द पहला शब्द लिखा इंडिया, और राष्ट्रपति को भारत नाम दे दिया था, इंडिया शब्द पहला शब्द लिखा। 10 सालों से मोदी जी हैं, कुछ परिवर्तन नजर आया नहीं? हमें कोई परिवर्तन नजर नहीं आया है, बस वही है कि चोरी डकैती लगातार देश में, महंगाई जो है मूलभूत चीजों से जो सार्वजनिक जीवन से लेकर व्यक्तिगत जीवन तक की सभी चीजें लगभग 2.5 से 3 गुना तक महंगी हो चुकी है। किसान बदहाल है, गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। देश की 99% अर्थव्यवस्था को समेट कर 1% पूंजीपति पतियों के पास पहुंचाई जा रही है। गरीबों का कल्याण हो रहा, मोदी जी कह रहे हैं कल्याण हो रहा है, खुशहाल हो रहा हमारी सरकार। समझिए कि इस देश में कितनी बड़ी विडंबना है कि एक सुई बनाने से लेकर हवाई जहाज के निर्माता, मतलब जो निर्माण करता है, वह अपने उत्पाद का मूल्य निर्धारित करने के लिए इस देश में आजाद है, लेकिन जो किसान है, जो पूरे देश का पेट भरता है, जो पूरे देश का पेट पालता है, वह अपनी उपज का मूल्य नहीं तय कर पाता है, उसको तय करती है न्यूनतम समर्थन के। 24 में क्या होने वाला है फिर? 24 में उमड़ा हुआ जनसैलाब बता रहा है, देश का आम जनमानस देश के जननेता जननायक के साथ है। भाजपा के लोग कह रहे हैं कि 400 से ज्यादा सीटें आ रही, वो जो है लगातार जुमला करते हैं, जुमला करते हैं। कहूंगा कि सिर्फ अगर भाजपा की सरकार अगर पुनः बढ़ती है तो 2024 में 400 पार केवल लहसुन के दाम, आलू के दाम, टमाटर के दाम हो सकते हैं, सीटें कहीं से 400 पार नहीं होने वाली। बताइए आप तो महिला है, मोदी जी कह रहे हैं कि महिला सुरक्षा की बात हो रही, महिला सुरक्षा तो इतना नहीं दिख रहा है भैया, नहीं दिख रहा है, कह रहे महिलाएं सुरक्षित हो गई हमारी सरकार में? नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। आप सुरक्षित महसूस करती कि नहीं? नहीं सुरक्षित महसूस भी है, हम सुरक्षित नहीं महसूस करते हैं। देश बदल दिया, देश तरक्की कर रहा है, कुछ नहीं है भैया। उनके नजरिए से उन्होंने अपने बदल दिया है, लेकिन जो बदला हुआ वो अपना वो दिखा नहीं पा रहे ना। सब आप बताओ, तो मणिपुर में इतना बड़ा कांड होता है, इतना बड़ा वहाँ जघन्य कांड हुआ है, आपके मोदी जी गए वहाँ, ये विदेश जा रहे घूमने के लिए, लेकिन कभी मणिपुर में गया? कितना राहुल जी ने इसीलिए न्याय यात्रा मणिपुर से शुरू किया। राहुल गांधी की न्याय यात्रा का प्रभाव पड़ रहा है? नहीं, बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है। आज में क्या होने वाला है प्रयागराज में? अभी अपार जन समर्थन मिल रहा है, अभी बहुत सारे लोग आएंगे, लाखों लोग शामिल होकर ये सबको संदेश देंगे कि 2024 में राहुल गांधी जी आ रहे हैं। 24 में क्या चाहते हैं, प्रधानमंत्री कौन बने? राहुल गांधी। मोदी जी को कहा नहीं चाह रहे भाई? बहुत सर, मतलब क्या बताया जाए, कोई व्यवस्था नहीं दे रहे हैं। व्यवस्था नहीं दे रहे, वो तो करे पूरा व्यवस्था ही बदल दी है। हम कहाँ दे रहे हैं? कांग्रेस ने लूटा और हमने देश को बनाया। कब लूटा है बताइए? कांग्रेसियों ने बहुत लूटा, 70 साल लूटा कांग्रेस। 70 साल तो सरकार ही नहीं रही, और बताइए कितने साल हुए। पूरी तरह सही होती है, हर एक सरकार लूटती है, लेकिन मायने रखता है कौन सरकार ज्यादा लूट रही है, कौन सरकार कम लूट रही है। इस कांग्रेसियों ने देश को कहां से कहां तक लाया, अगर इनकी सरकार होती आज ये देश यहां तक नहीं पहुंचता। इन्होंने 10 साल 15 साल में पूरे देश को बेच डाला, नौजवान परेशान है, किसान परेशान है, महंगाई अपने चरम सीमा पे है, कौन नहीं परेशान है? नौजवान बदलाव चाहते हैं, नौजवान बदलाव चाहते हैं। 2024 में परिवर्तन होगा, परिवर्तन होगा। शिक्षा के क्षेत्र बदलाव क्या चाहिए आपको? शिक्षा के क्षेत्र में चाहिए, जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है उसी उसमें कमी चाहिए हर चीज में। डीजल कहाँ पहुँच गया, पेट्रोल कहाँ पहुँच गया? महंगाई बहुत हो गई मोदी जी की सरकार में। क्या बोले? महंगाई बहुत हो गई सरकार में, मोदी जी की सरकार में। नॉर्मल है, सब नॉर्मल है, नॉर्मल है, महंगाई भी नॉर्मल है, नॉर्मल है। महंगाई नॉर्मल कैसे आपको लगता है कि नॉर्मल है? मोदी जी जब से यहाँ तो नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल नहीं है महंगाई। आप पहले देखिए 400 रुपये गैस था, आज कितना है, 1200 रुपये, 900 रुपये में कितना बड़े महंगाई है। जब हम यहाँ रहते थे इलाहाबाद में 1000 रुपये रूम था, आज 4500 रुपये का रूम है यहाँ, और बिजली बिल अलग 11 रुपये 12 रुपये। बताइए भाई साहब, ये तो कह रहे 400 का सिलेंडर था महंगा हो गया। देखिए जब वो आज 600 रुपये भाव था,
अमेरिकन डॉलर का भाव 66 रुपया था, अब 83 रुपया है। अरे तो भाई जब हम लोगों का नहीं तो डॉलर हम क्या है, ठीक है मान दीजिए अपना बता रहे हैं सब डॉलर के हिसाब से। जिसने कहा था कि डॉलर के मुकाबले पैसा मजबूत होगा, पैसा तो कम हो गया। संघर्ष कर रहे हैं मोदी जी, और संघर्ष कर रहे हैं। 10 सालों में बदला मोदी जी ने, अरे 90 जाएगा तो पहुंच जाएगा सोना फिर। देखिए देखिए जैसे कि हम आपको बता दें, यहाँ जो गरीब लोग रह रहे हैं या जो गरीब बच्चे यहाँ तैयारी करने आए हैं उनकी देखिए कमरे किराया, देखिए वो साग सब्जी जो लाते हैं खाने के लिए, वो सब चीजें महंगाई देखिए। अब कोई लड़का उसके पहनने के लिए कपड़ा नहीं बेचारे के लिए, वो संघर्ष कर रहा है, और कोई भी नौकरी कोई जॉब आ रही है वो पेपर लीक करवा दे रहे हैं। बताइए कितनी फीस ले रहे हैं, 400 रुपए 500 रुपए तुम फॉर्म फीस ले रहे हो, इसके बाद वैकेंसी डिले करा दी जा रही है, पेपर लीक हो रहा है, इसके बाद कोई भी कार्रवाई ऐसी नहीं है जिसमें अनशन के बिना आप न्याय दे रहे हो। सारी कोई भी जितने भी जॉब है कोई कोई इलेक्टोरल बांध में जो हुआ जो किया है वो सबको पता चल रहा है। बताइए मोदी जी तो कह रहे हैं देश बदल रहे हैं, युवा खुश हैं, युवा खुशहाल है, कोई युवा खुश नहीं है सर, यहाँ कोई युवा खुश नहीं है। आंदोलन हो रहे हैं ना मीडिया में, हम कोई ना मीडिया में किसी का दिखाया जा रहा है, जो भारत जो यात्रा चुनाव चल रही है इसका कोई दिखाया नहीं जा रहा, सिर्फ उन्हीं की बातें दिखाई जा रही, उन्हीं को दिखाया जा रहा है। मोदी जी तो कह रहे हैं कि इस बार हम 400 पार। देखिए कहने के लिए कोई कुछ कहे, मगर मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ जो जो यहाँ युवा हैं, जितने युवा हैं, जो बेरोजगार युवा हैं, उनको दिलों से पूछिए, वो सब देश का परिवर्तन चाह रहे हैं, कितना संघर्ष करना पड़ रहा है, कोई रिजल्ट दे रहे हैं उसमें भी आप उसमें सही से रिजल्ट नहीं आ रहा है, उसके लिए प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है, परिवर्तन चाह रहे हैं, बिल्कुल प्रोटेस्ट चाह रहे हैं, बिल्कुल। आरओ का पेपर हुआ वो भी लीक हुआ, अभी पुलिस का जो हुआ वो भी लीक हो रहा है, एक एक दो दो घंटे पहले फोनों में चले जा रहे हैं, तो इनके लिए क्या कर दिया भैया इस गवर्नमेंट ने। इस देश के ये युवा बोल रहे हैं, ये युवाओं की आवाज़ है, हम लोग हम 55 साल हो गए लेकिन इस सरकार ने हमारे बच्चे बड़े बड़े हो गए, केवल 5 किलो गल्ला पे काहिल बना दिया इन लोगों ने, इस देश को 5 किलो गल्ला दे करके काहिल बना दिया, ये जान लीजिए। राहुल गांधी जिंदाबाद, अगर कोई नहीं आयोजा तो राहुल गांधी, उसके सिवा इस देश में कोई नहीं है, इसके जैसा योद्धा कोई नहीं है पूरे देश में। राहुल गांधी को योद्धा मानते हैं, गांधी को योद्धा मानते हैं हम लोग अपनी जान लड़ा देंगे राहुल गांधी को जिताने के लिए। जी को नहीं जिताएंगे, मोदी जैसा निकम्मा वो गद्दार आदमी इस देश का प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया जाएगा। गद्दार कैसे भाई हो प्रधानमंत्री, बता रहा हूँ आपको, मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, योद्धा है, योद्धा है, चौकीदार चोर है। चौकीदार चोर कैसे भाई, वो कह रहे कि वो ये सिवाय जुमले के आज तक किसी को कुछ दिए नहीं, हमने जो बोला वो किया। मैं बता रहा हूँ आपको, सिवाय जुमला के कुछ बांटा नहीं इन्होंने। 15 लाख का सूट पहनते हैं दिन में 3 बार, 2 करोड़ रोजगार आपको यादें नहीं है, ठीक है तो आप लोग भी थोड़ा पूछिए ना मेरे भाई। अरे आप बता दीजिए, आप बता बता ही रहे, आप जो पूछ रहे आप बता, बताते हैं 24 घंटा ये सोते नहीं, 18 घंटे काम करते इसके लिए। वडनगर का स्टेशन आपने देखा, इनके साथ पढ़ने वाले आज तक कोई किसी का इंटरव्यू आया, कहाँ चाय बेची, कोई चाय पिया था इनके हाथ की, बताइए जरा सा कहाँ चाय पिया, कहाँ चाय बेचा इन्होंने, केवल जुमले की सरकार है ये, जुमलेबाजी की सरकार है, जुमला कर रहे जुमला, जुमला केवल जुमला, राहुल गांधी जिंदाबाद। बताइए तो क्या लगता है, राहुल गांधी अगर देश के प्रधानमंत्री बन जाए कल्याण होगा, देश के प्रधानमंत्री बनते हैं तो देश की कायाकल्प, ये जो हजारों लाखों करोड़ों जो युवा बेरोजगार घूम रहे हैं उनके लिए ऐसी ऐसी स्कीमें ऐसी ऐसी योजना आएंगी, ये जो स्किल और दुनिया भर का रिपोर्ट चरखा बताते हैं ना चुतिया मनाने का, ये सब आज आज ये बगल में इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, पठन पाठन का पूरा माहौल खत्म कर दिया इन लोगों ने, पूरा माहौल खत्म कर दिया इन लोगों ने, पढ़ाई का एक भी माहौल नहीं है। इलाहाबाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से 2019 में मेरा MA कम्प्लीट है, मैं इस समय नेट क्वालिफाई भी हूँ लेकिन मेरा अभी PhD में नहीं हुआ, और मैं अभी इस समय हायर एजुकेशन वाली तैयारी कर रहा हूँ, 2 साल से वैकेंसी सिर्फ 1018 अभी तक पेपर नहीं करा पाई। बात हुई आरओ का पेपर 3 घंटे पहले से घूम रहा है, सीटेट का पेपर के दिलवाए उसको 3 घंटे सुबह से घूम रहा है, ये कोई लीगल तरीके से एग्जाम हो रहा है बच्चों का। मोदी जी कह रहे हैं कि पेपर लीक वालों को छोड़ा नहीं जाएगा ना पेपर लीक होगा, जो बच्चे पढ़ रहा था अभी पूछ रहा है कि कोई जुआर है क्या है इस बार यूपी पुलिस में, कोई जुआर है क्या जो बच्चे इतना मेहनत कर रहा है वो भी पूछ रहा है, तो ये कह रहे हैं लीगल तरीके से पेपर करा है। प्रधानमंत्री कल की धाम पूजन करने जा रहे हैं और दिल्ली पे सिंघू बॉर्डर पे किसानों पलटगन चलाई जा रही है, इतने मोटे मोटे छर रहे हैं, फोटो आ रही है, पेट जो है छल्ली हो गए हैं, पेपर लीक हो रहा है, कौन नहीं किसान है, कौन
अरे अरे भैया ड्रोन, मैं साहित्य, मैं किसानों का विद्यार्थी हूँ। भारत की पहचान किसी आदमी की संघर्ष की पहचान पूजा की वेदी पर नहीं होती है, संघर्ष की भूमि पर होती है। पूजन नहीं, पेपर लीक मामलों पे चिंतारा होना चाहिए। पेपर लीक हो रहा है, प्रदेश की हालत खस्ता हाल है, लगातार पेपर लीक। मोदी जी ने कहा कि देश बदल दिया हमने। मोदी जी ने देश नहीं बदला है, देश बदला है, लोकतंत्र को खत्म किया है। लोकतंत्र विपक्ष को ही खत्म कर रहे हैं, वो देश नहीं खत्म कर रहे, देश को ही ले जा रहे हैं। परिवर्तन चाह रहा है, क्या चाहते हैं परिवर्तन हो इस बार? पूरा देश परिवर्तन चाह रही है।